यूपी के जनपद हापुड़ में खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव सादिकपुर के पास रविवार रात सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा बुलंदशहर रोड पर हुआ। दरअसल गांव सालेपुर कोटला के रहने वाले मेहरवान की पुत्री गुलिफ्सा का निकाह था। रविवार शाम बारात मेरठ से हापुड़ शहर के एक मैरिज होम में आई थी। निकाह में शरीक होकर गांव के लोग महिंद्रा पिकअप गाड़ी में सवार होकर गांव सालेपुर कोटला लौट रहे थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। गाड़ी में 20 से 25 लोग सवार थे। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव सादिकपुर के पास पहुंची तो सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने ओवरटेक करने की वजह से चालक साइड पर टक्कर मार दी, जिससे महिंद्र पिकअप के परखच्चे उड़ गए। अज्ञात क्या हुआ बेटा? हम कोटला की शादी थी, इन्हें आधे गांव को दावत दी थी सालेपुर को, और यहाँ मैरिज होम में ब्याह करा था अपने लौंडिया का। तो हम इसमें गए थे, हमारे गांव के बहू थे। जब इनके से बच गए हम आते आते, तो जब हमने खाना खाते हम चले, तो हम बस थोड़ी दूर चले, एक ज्वार का ट्रैक्टर आ रहा था। तो यहाँ क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ? ये मंच घाट में से सब लोग एक शादी थी, उसमें समाज शादी में से वापस अपने घर लौट रहे थे सालेपुर कोटला। तो वहाँ किसी गाड़ी ने इसमें कट मारा, गाड़ी में एक साइड पूरी खत्म हो गई। हादसे के बाद की तस्वीरें बेहद दर्दनाक थी। महिंद्र पिकअप में सवार महिला, पुरुष और बच्चे सड़क पर बिखर गए। घायलों में चीख पुकार मची हुई थी। स्थानीय लोगों ने किसी तरह वाहनों को रुकवा कर घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां 9 लोगों की मौत हो गई। देखिए रोड साइड बड़ी अनफॉर्चुनेट दुर्घटना रही है, और इसमें 8 बच्चे जो मृतक अवस्था में लाए गए थे, 9 लोगों को हम लोगों ने, जिनमें बच्चे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं, उनको फर्स्ट एड देने को काम फायर सेंटर रेफर कर दिया था। 4 पेशेंट अभी हमारे यहाँ हैं जो इलाज जिनका हो रहा है, जाँचें हो रही हैं, वो भी अस्पताल पर। हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने मशक्कत के बाद खुलवाया। एसपी का कहना है कि घटना में 9 लोगों की मौत हुई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या पता चल पाया? मौलाना क्षेत्र के रहने वाले थे, रामपुर में उस गार्डन में एक शादी समारोह में शामिल हुए थे, उसके बाद वापस घर जा रहे थे। सादिकपुर गांव के पास में इनका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, फिलहाल अभी पकड़ा नहीं जा सका है, और इसमें कई लोग इंसान हुए हैं, अब तक 9 लोगों के लालपुरी परिवार में इस वक्त मातम छाया हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यार सुनो यार, अबे जो खाने लग गया यार।